गुंजन सिंह ने तो रास्ता बनाया ना, वही तो 10 मिलियन 5 मिलियन। ये हो सकता है कि उस सीनियर कलाकार हम लोग का है, बड़े भाई है, उनका हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े कि भैया कह देंगे कि अब हमारे देश से तुम लोग खा रहा है, तो गलत बात। हर लोग मेहनत कर रहा है भैया, तब खा रहा है, आप थोड़े खा दे रहे हैं। आपको फॉर्चूनर खरीद रहे हैं? नहीं खरीद। आज हमको पता चला कि सौरभ सुगम जो मगही के सिंगर जो कि यहाँ पे मौजूद है, इनका गाना कई अभी ब्लास्ट नवरात में चला था, आज मिल गए हैं यहाँ पे। देखे देखिए पूरे अपने टीम के साथ यहाँ पे बैठे हैं। आज हम बात करेंगे गाने को लेकर के, और मगही में जो बताया जा रहा है ना कि लकीर खींच दिए हैं गुंजन सिंह, उसको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि तमाम बहुत सारे लोग आ रहे हैं मगही के, लोग बता रहे हैं कि हमने पहले मगही को बढ़ाया है, हमने आगे किया है, लेकिन गुंजन सिंह जब बोले हैं कि हमने मिलियन मिलियन गाना दिया है, रोजी रोटी हमने दिया है, सारे मुद्दे पे बात। सौरभ सुगम जी है, अब बात करेंगे, स्वागत है सबसे पहले। जी आपका भी स्वागत है, और गंगा न्यूज के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम, आशीर्वाद का काम। पूरा टीम लेके बैठे हैं, पूरा टीम लेके बैठे हुए हैं। मारपीट मारपीट का कर मेरा भाई है, भाई तो आइए मारपीट के रस हम करेंगे, सीधा लड़का पूरा एकदम। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा अपना भाई, देखिए राइटर साहब है सुदामा जी, अच्छा, जो ब्लास्ट किए थे इस बार देवी गीत में कि पंडला में आ जाओगे, मतलब इन्हीं का था। ये सब सब लोग साथ में रहने वाले लोग हैं सब लोग, लेकिन देवी गीत मगही में सबसे ज्यादा सौरभ सुगम का बजा है। सबसे गाने को लेकर के हम शुरुआत करेंगे, विवाद थोड़ा बाद में बात करेंगे। गाना का नाम था कि पंडला में आ जाओगे मलबा, और बहुत अच्छा चला भी गाना। गाना था कि अरे कहन से फोनवा करो ही रे, कुछ हो ना पता चलो हो रे, अब नहीं अब जावा खाली हो बो हो हलावा। तो लड़का कहता है कि चारों ओर यह देखियो कानो दिखौ नै सा कलावा, पंडालावा में आजोगे मलावा, पंडालावा में आजोगे मलावा। अच्छा आप लोग देवी गीत में भी नहीं छोड़ते हैं कि माल बुला रहे पंडाल पहले, और कुछ बोलना है नहीं, हम हो गया आपका, हो गया। देवी गीत हम नहीं गाए थे, दुर्गा पूजा का जो मेला होता है ना, मेला की अभी डिजीलैंड मेला लगा ऐसे पूरा में, उसमें रोज बजता है, मेला का मेला स्पेशल गाना था, तो नवरात में रिलीज हुआ था। हाँ, मेला नवरात्र में अगर बिहार में सबसे बड़ा मेला का यह लगता है नवरात्र में लगता है, नवरात्र वाला नहीं था ये मेला, मेला का गाना था, नवरात्र में बज रहा था, सब रील लोग बना रहा था, रील बना रहा था। कितना बजा है अभी तक? कितना बजा है? हाँ कितना मिलियन? 6-7 मिलियन गया है। देवी गीत है तो उतना ज्यादा कहाँ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा और कौन कौन से गाने आपके? बहुत सारे गाने हैं, अभी छठ का गाना यही ट्यून पे आया है, का नाम है कि घटिया पर मिलो सोनवा। ये भी तो उसी तरीके आप कहेंगे कि ये छठ का नहीं है मेला का, फिर सोनवा मैंने गलत नहीं ना हुआ? नहीं गलत हम नहीं बोल रहे, घटिया पे आज लव। हाँ लवर सॉन्ग है, मतलब लव सॉन्ग है आजकल के जनरेशन है, छठ में भी आप लोग मतलब वही जनरेशन के हिसाब से गाना गाया जाता है, जनरेशन के हिसाब से हम लोग गाते भी हैं। अच्छा मगही में बताइए कि कौन लकीर कौन खींचा है? गुंजन सिंह का एक बयान आता है, उसके बाद आशीष यादव बताते हैं कि वही बनाए हैं सब, उससे पहले मगही। आपका क्या राय है, क्या कहेंगे बताइए? काम होता है तो उसमें हर लोग का हाथ होता है, जैसे आप न्यूज अभी ले रहे हैं हमसे, तो सिर्फ आप कहेंगे कि हम माइक लिए हुए हैं तो मेरा ही मेहनत इसमें है, तो नहीं, वो कैमरा जो कर रहे हैं भैया उनका भी मेहनत है, आप जिस बाइक से आए उस बाइक का भी मेहनत है, उस बाइक पे आप बैठ के आए, जो अपलोडिंग करेगा आपका उसका भी मेहनत, तो मगही बनाने में हर लोग का योगदान है, हो सकता है किन्हीं का ज्यादा हो किन्हीं का कम हो, तो है तो सब लोग। तो गुंजन सिंह जो बोले गलत, उनका भी योगदान है, गलत हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अकेले उनका योगदान नहीं है। ओम प्रकाश अकेला बताते हैं कि जब हम इंटरव्यू किए तो बताते हैं कि हम तो गली गली स्टूडियो स्टूडियो घूम करके सबको मगही में बोलते थे, तो बोलता है कि ये कौन भाषा है उस टाइम कोई सही। ओम प्रकाश जी एकदम सच बोले, हम लोग जब शूट करते थे पटना में तो लोग हंसता था, हमारा ट्यून सुन के रिदम सुन के सब लोग हंसते थे, आज वही रिदम वही ट्यून सब लोग आ रहे हैं। एक और गायक मिले थे कुंदन बिहारी, वो बता रहे हैं कि सबसे पहला मेरा मैक्सी वाला गाना ये सब बजा था, नाइटी वाला गाना बजा था, सही बोल रहे थे वो आगे। तो कौन लकीर खींचा है? हम क्या लकीर का बात ही नहीं है सर, हम क्या बोले कि रोजी रोटी का बात है ना, रोजी रोटी जो कौन नहीं कमा रहा है, हर लोग कमा रहा है। तो गुंजन सिंह ने तो रास्ता बनाया ना, वही तो 10 मिलियन 5 मिलियन। ये हो सकता है कि उस सीनियर कलाकार हम लोग का है, बड़े भाई है, उनका हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े कि भैया कह देंगे कि अब हमारे देश से तुम लोग खा रहा है, तो गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है।
इसी पे एक आशीष यादव का भी बयान है, हर लोग कोई चीज बुरा लगा होगा, ऐसा थोड़ी आशीष भाई को सिर्फ बुरा, हमको भी लगा है, हर लोग को लगा होगा, आपको भी बुरा लगा है, नहीं लगेगा, हर लोग मेहनत कर रहा है भैया तब खा रहा है, आप थोड़े खा दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा और क्या क्या चीज की तैयारी चल रहा है अभी? बस छठ का भी तैयारी चल रहा है, तैयारी का छठ का हो ही गया है कम्प्लीट, अब बस लोग इसके बाद। आप कब फॉर्चूनर खरीद रहे हैं? नहीं खरीद, फॉर्चूनर कोई अभी हेलीकॉप्टर खरीद रहा है महाराज, आप फॉर्चूनर नहीं खरीद? मेरा इच्छा नहीं है, पुराना है गाड़ी पे चढ़िएगा, इससे भी पुराना और कुछ मिले तो उस पर चढ़ ले, मन तो करता है कि टेम्पो पर चले, टम टम मन करता कि टम टम पर चले। सब लोग महाराज आगे जा रहा है, जहाज का बात कर जा रहा है, तो क्या आप कह रहे हैं कि आपको टम टम पर चढ़ना है? सब लोग को देखिए कि कितना कोची कोची करके कोची कर रहा है, हम ऐसा लड़का नहीं है ना, हम सिंपल बॉय है, सिंपल बॉय, हम ये घचर बचर में नहीं रहते हैं, बस जो करते हैं सादा साफ करते हैं, जो काम करना होता है, हल्ला गुल्ला करने वाला सिस्टम मेरे पास नहीं, जिस दिन लिया जाएगा ले लेंगे बस, अब थोड़े कि लेंगे तो 50 को अब बुलाएंगे मीडिया, ये हल बल वो नहीं होगा, जब देखेंगे तो मेरे द्वार पे लग जाएगा सिर्फ, बस इतना ही देखेंगे। बिल्कुल। अपने फैन को क्या कहिएगा, जितने आपके दर्शक चाहने वाले? हमारे दर्शक को बस यही कहेंगे कि आप लोग जिस तरह से देवी गीत में एक तरफा बजाए अपने भाई को, छठ में भी आप लोग का बहुत अच्छा अच्छा गाना आ रहा है, आप लोग बस उसी तरह छठ में प्यार दीजिए एकदम एक तरफा। चलिए तो हमारे साथ पगही के सुपर स्टार सौरव सुगम जी मौजूद हैं, हमारी बातचीत हो रही थी गाने को लेकर के, पगही में जो लकीर जो बताया जा रहा है खींच दिए हैं, रास्ता जो बनाए गुंजन सिंह हमेशा बताते हैं कई न्यूज पर, उसको लेकर के थोड़ा मगही में भी विवाद छिड़ गया है, तो आखिर आपका क्या राय है, जितने मगही के हमारे दर्शक है क्या सोचते हैं, कौन रास्ता बनाया, कौन क्या किया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।